सब्सक्राइब करो गुजराती हेल्थ टिप्स चैनल ने अने दबावो आ घंटी ने जेथी तमे जोई सको अमारा नवा वीडियो सौथी पहला। जो वाल मा आ रीते करशो मसाज तो हेर थशे एकदम मस्त। तमारा वाल मा तेल लगाव्या पछी तमारी आ भूलो तमारा वाल खरवानुं एटले के हेर फॉल कारण बने छे। वाल ने तेल थी मसाज करवानी टिप्स। शरीर ने स्वस्थ राखवा माटे तेने पूरता पौष्टिक खोराक अने संभाळनी जरूर होय छे, तेज रीते मजबूत अने स्वस्थ वाल माटे तेने पुष्कळ पोषणनी पण जरूर छे। ज्यारे वाल ने संपूर्ण पोषण मळे छे त्यारे ते आपमेळे भरावदार लांबा अने चमकता बनवा लागे छे। रासायणिक वालना उत्पादनों अने बाह्य प्रदूषण ने कारणे वाल वधु खराब बनी रह्या छे। हालना समय में वाल जाळवा खूब ज मुश्किल थई गया छे। आने कारण नानी उम्रे सफेद वाल, डेंड्रफ, वाल खरवा वगैरह की समस्या पण वधी रही छे। सारा शैम्पू थी वाल धोवा ज पर्याप्त नथी, पण मजबूत अने चमकता वाल माटे माथानी चामडीनी मालिश करवी पण खूब जरूरी छे। वाल में वाल माटेनुं सारू तेल लगावी शांतिथी अने हळवेथी मसाज करो। माथानी चामडीनी मालिश वालने सुवामां मदद करे छे, परंतु तेल लगाव्या पछी थोड़ी सावचेती राखवी पण जरूरी छे। आजे आपणे जाणीए के तमारा वाल में तेल लगाव्या पछी शुं ध्यान में राखवुं जरूरी छे, नहीं तो तमारा वाल खूब झड़पथी क्षतिग्रस्त थई शके छे। एक ज वक्त में हेर ऑइल नो वधु उपयोग न करो। हालना समय नी व्यस्त जीवनशैली ने कारणे लोको पासे पोताना माटे समय होतो नथी। तेमना माटे आरामथी बेसी अने वाल में तेल मसाज करवो खूब ज मुश्किल होय छे। आवी स्थिति में ज्यारे पण तेमने समय मळे छे त्यारे ते एक ज समय घणुं बधुं तेल लगावे छे। तमने ए जणावी दईए के आवुं करवुं योग्य नथी। तमे जेटलुं वधारे तेल लगावशो शेम्पूनो तेटलो वधारे उपयोग संपूर्णपणे साफ करवा माटे करवो पड़शे। आनाथी तमारा वाळनी कुदरती भेद शक्ति नाश पामे छे, एटले तमने वाळ धोया पछी वधु सूका लागे छे। ऑइलिंग कर्या पछी वाळने कसीने के फिट रीते बांधो नहीं। वाळमां तेल लगावाना कारणे ते खूब नरम थई जाय छे। तमे वाळने जेटला कसीने के फिट रीते बांधशो तेना तूटवानी एटली शक्यता वधारे छे। तमारे टाइट बन अथवा पोनी टेल बनावानुं टाळवुं जोईए। तेना बदले तमे वाळ खुल्ला छोड़ी शको छो अथवा तो हळवी एक चोटली बनावी शको छो। तेलीय वाळने लांबा समय सुधी राखशो नहीं। लोको माने छे के वाळ पर जेटलो वधु समय तेल लगावी राख्यो होय तेटलुं ज वधु सारुं छे, परंतु आ धारणा खोटी छे। वाळमां तेल लगाव्या पछी वाळ चीकणा थई जाय छे। ऑइलिंगने कारणे जेटली वधु गंदकी तमारा वाळ पर ચોંટશે તેનાથી વધ તમારા વાળને એટલું વધુ નુકસાન થશે। તેલની માલિશ કર્યા પછી તરત જ કાંસકો ન વાપરો। વાળ અને માથાની ચામડીમાં તેલની મસાજ કર્યા પછી તે ખૂબ નરમ થઈ જાય છે। તેલ સંપૂર્ણ માથામાં સેટ કરવા માટે એને એમને એમ છોડવું વધુ સારું છે। આ કિસ્સામાં કોમ્બિંગ દ્વારા તમે વાળ પર વધુ દબાણ કરો છો જેનાથી વાળ તૂટી જાય છે। તેલની માલિશ કર્યા પછી તમારે વાળને કાંસકાથી ઓળવવાને બદલે તેને હળવેથી આંગળીઓ વડે સુલઝાવવાનો પ્રયાસ કરો। તેલની માલિશ કર્યા પછી વાળના અન્ય ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરશો નહીં। હેર મસાજ થયા પછી વાળના અન્ય ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ। તમારા વાળને યોગ્ય રીતે શેમ્પૂ કર્યા પછી તમે તેનો ઉપયોગ કરો તે વધુ સારું છે। મિત્રો, આ હતો આજનો વિડિયો। આવા મજેદાર વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ ગુજરાતી હેલ્થ ટિપ્સને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો ચાલો મળતા રહીશું નવા વિડીયોમાં।